मैं डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा मेरा नाम हुआ। मैं आज आप लोगों के सामने इसीलिए आई हूँ कि आपको समझाऊं कि आप अपने परिवार को किस तरह से सुखी रख सकते हैं। बिहार में अधिकतर महिला को 5-6 बच्चे होते हैं। स्त्रियों को बहुत जरूरी है कि हम अपने मन से निर्धारित करें कि कब हमें बच्चा हो, कितना दिन पर बच्चा हो। अरे बच्चा तो आपको पालना है, आपको उसकी देखरेख करनी है। कोई आपके सास ससुर चाहे कोई तो आके बच्चे को देख नहीं देगा। अनचाहे गर्भ यदि होगा उसके यदि आप जा करके गर्भपात कराती हैं उससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस सब को हमको जानना है। यदि सुखी परिवार आप चाहती हैं तो 1 से 2 बच्चे होने चाहिए। मान लीजिए कि आपका फैमिली कंप्लीट हो गया है, अब आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो आप ऐसा कोई तरीका अपनाइए जिससे कि आपको बार बार गर्भपात कराने का जरूरत ही नहीं पड़े। और इसका बहुत ही आसान तरीका आजकल है। एक महिला नसबंदी के भी 2 तरीके हैं। एक है कि हम लोग छोटा सा चीरा, आपको पता भी नहीं चलेगा, टाका काटने का जरूरत भी नहीं है, छोटा सा चीरा लगा करके मरीज का ट्यूब को हम लोग बांध देते हैं और आप उसी दिन घर जा सकती हैं, आपको रहने का भी जरूरत नहीं है। अब दूसरा मान लीजिए कि आप चीरा नहीं लगा करके, तो आजकल शायद आप लोग नाम सुनी होंगी, ये दूरबीन से करते हैं जिसको कि लैप्रोस्कोप कहते हैं। लैप्रोस्कोप के द्वारा भी ट्यूबलाइजेशन किया जाता है, लेकिन दूरबीन से कराने के लिए ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रेंड है उस मेथड में उन्हीं के पास जाइए और उन्हीं से कराइए। आप कोई भी करा सकती हैं और दोनों बहुत ही आसान है। आप प्रसव के बाद भी तुरंत ऑपरेशन 24 घंटे के अंदर करा सकती हैं। सरकारी अस्पताल में तो दूरबीन का और चीरा वाला दोनों मुफ्त होता है। सरकार आपको 600 रुपया भी देती है। इस ऑपरेशन में 10 मिनट से 30 मिनट लगता है। शाम में भी घर जा सकती है। 24 घंटे के बाद आप नॉर्मल जो आप कार्य हैं सब कार्य कर सकती हैं। आप सिर्फ भारी चीज बोझा नहीं उठाइए। इसके अलावे आपको दवाइयाँ भी अस्पताल से मिल जाती हैं। 4-5 दिन ही आपको दवाई खाना पड़ेगा और आप यौन संबंध भी 7 दिन के बाद बना सकती हैं। हमारे यहाँ महिला जो है यदि अपना परिवार पूरा हो जाता है उसके बाद भी ये जो परमानेंट तरीका है नहीं अपनाती है। क्यों नहीं अपनाती है? चूँकि उनके मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ बैठ गई हैं कि बच्चा बंद नहीं कराना चाहिए बच्चा, क्योंकि इससे जो है आपका महीना जो है महीनवारी जो है सो अनियमित हो जाएगा। ये सब गलत धारणा है। आपको ये जो आप लाइगेशन कराती हैं, परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराती हैं, उससे महीनवारी को कोई असर नहीं होता है। महीनवारी जैसे आपको आ रहा था उसी तरह से आएगा। बहुत सी महिलाएँ आती हैं कहती हैं कि मुझे गैस हो गया है, ऑपरेशन करा लिए। इससे आपको गैस नहीं हो सकता है। बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, यदि ऑपरेशन कराएंगे तो हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। ये तो छोटा सा ऑपरेशन है, ये तो आप उसी दिन से खाना भी खा सकती हैं, लेकिन हाँ ऑपरेशन के पहले खून जांच होना है। बहुत सी महिलाएं कहती हैं कि नहीं हम जो है सो अपना जो यौन संबंध नहीं बना सकते हैं, उसमें मेरा ये कमी हो जाता है। वो भी नहीं। अब आपको क्या करना चाहिए? देखिए आशा वर्कर से यदि आप संपर्क करिएगा तो वो आपको सरकारी अस्पताल में ले जाएंगी और मुफ्त में आपका वहाँ पर बंध्याकरण हो जाएगा। और दूसरा आजकल नया एक उज्ज्वल साथी, जैसे आशा वर्कर है, उज्ज्वल साथी आपको उज्ज्वल क्लिनिक में ले जाएंगी। वहाँ बहुत से कम पैसे में अच्छे से अच्छे डॉक्टर की सेवा उपलब्ध है। आप सभी महिला इसका फ़ायदा उठा सकती हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद। महिला नसबंदी सरकारी अस्पताल में निशुल्क उपलब्ध है और उज्ज्वल क्लिनिक पर प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा मामूली दामों में उपलब्ध है। महिला नसबंदी के बारे में और जानकारी चाहते हैं? बेझिझक कॉल करें उज्ज्वल हेल्पलाइन पर 1800 11 21 21। याद रहे 1800 11 21 21।